घर के साथ साथ बाहर का काम संभालने में भी महिलाओं को महारत हासिल होती है। वह कभी भी किसी के सुख दुख का ख्याल रखना नहीं भूलती। लेकिन इन सब के बीच महिलाएं मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द सहती रहती हैं। हालांकि हाल में ही इस बारे में कई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन अब भी मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन का उपयोग अधिकतर महिलाओं के लिए दूर का सपना है। मासिक धर्म महिलाओं के लिए एक स्वाभाविक घटना है, इसीलिए वो जिन कठिनाइयों का सामना करती हैं उन्हें समझते हुए कालाहांडी में भुवनेश्वर बेहरा युवा संगठन आगे आया है। संगठन से जुड़ी 90 से अधिक महिलाएं और छात्राएं सैनिटरी नैपकिन तैयार कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच स्वच्छता का संदेश फैला रही हैं। आमर जन बायोडिग्रेडेबल पैड तैयार होचे सेटा आमर जाउचे केरल के सेनु एक्सपोर्ट होचे सन माल आउचे माल जाउचे आर ई वर्तमान जन ट्रेनिंग होचे ई ट्रेनिंग सरला पर आमर लोकल मार्केट रे जाके सेल करा जाय करी महिला मन के स्वावलंबन करबार लक्ष्य उद्देश्य अछि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश भर की लगभग 62% महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। इसके साथ ही 52% छात्राएं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि वे सैनिटरी नैपकिन के उपयोग करने के बारे में जागरूक नहीं है। इन कठिनाइयों को पूरी तरह से समझते हुए भुवनेश्वर बेहरा युवा संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने और उन्हें आजीविका का साधन मुहैया कराने के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। परिणाम स्वरूप संगठन की ओर से तैयार कराए गए सैनिटरी नैपकिन को न केवल जिले में विभिन्न स्थानों पर बल्कि केरल भी भेजा जा रहा है। गोटे वर्ष पाखा पही गला ना बनुछु आ मेसेज देबा के चाहुछु जेनि के हम जियो माने केबे का स्कूल कॉलेज जिबाली असुविधा होतिला तापरे तमरे जति जाउछ बेसी इटा होतिला तो आमे निके नैपकिन रो इटा करिछु जेहेतु आके सेमन जाई पारबे तापरे स्कूल कॉलेज भी जाई पारबे कम लोग एक्सेप्ट करछन किंतु एबे आरंभ करछु आमे जते बेले नैपकिन आमे हमर कलाहांडी रे आमे ताके बहुत लोग के बुझे करि जेंति कि आमे समस्त के यूज करबार लागि चेष्टा चले छु। इस संगठन का सफर हालांकि बहुत आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग का महत्व समझ में आने लगा। इसके अलावा संगठन की इच्छा शक्ति को देखते हुए नाबार्ड ने उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधा का इंतजाम करके सहयोग का हाथ बढ़ाया है। अब संगठन का लक्ष्य पूरे जिले में ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।